बताते चले कि पूरा मामला सिधारी थाना क्षेत्र का है। पीड़ित अशरफ पुत्र राशिद ने बताया कि हमारी डाटा संख्या 368 में पारिवारिक समझौता करके रकबा प्राप्त किया गया था, जिसको हमने 3 फीट दीवार से घेर लिया था, लेकिन मौके पर अगल बगल के लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया। हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय को प्रार्थना पत्र देकर दीवार ऊंची करने का प्रयास किया गया, तो भू माफिया लोगों द्वारा दीवार ऊंची न करने का दबाव और विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। पीड़ित ने उप पकड़ की जाँच कराकर दीवार ऊंची कराई जाने व विवाद उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की, ताकि हमें न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है, सिधारी सिधारी बाबुआने में हमारा घर है। हमारी कुछ जमीन पुश्तैनी थी, उसको मतलब और भी हमारे पतिदार लोग थे, तो वहाँ में सब लोगों ने कुछ लोगों को किराया दिया। हमारा जमीन बचा हुआ था, तो हमने वहाँ पे जितनी जमीन बची हुई थी 7 बिस्वा, तो हमारे हिस्से में जो लोग समझौते के हिसाब से करीब 1.5 बिस्सा आया, हमने 1.5 बिस्सा से कम ही आया, तो उस पर हमने संतुष्ट करके और सबके अरुण सिंह वगैरह थे, ये लोग दबंगई कर रहे थे, लेकिन सबके समझाने के बाद जो है वो मान गए कि ठीक है, इनको 1.5 बिस्सा है और हिस्से के मुताबिक सब अपने अपने उस पर काबिज हो गया। और हम भी जो है, हमको जो मिला हमने भी बाउंड्री करा लिया उतने पे। अब हम अपना बाउंड्री ऊँचा कराने गए थे, तो उसमें वो लोग रोक लगा रहे हैं, अरुण सिंह वगैरह। कौन लगा रहा है? अरुण सिंह। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी ज़मीन है, हम नहीं इसको बनवाने देंगे। हाँ, अभी SP साहब के यहाँ जा रहे हैं हम लोग कहने के लिए, उसी अभी इस तरह की वो हो रही है हम लोग का। चल आलू है, क्या मामला है? अभी यहाँ आए ये पुराना जमीन हम लोग के बीच में समझौता हुआ था। एक महामंत्री जी हैं प्रदेश के, अरुण साधु जी और अशरफ जी और मेरे बीच में ज़मीन का समझौता हुआ था। और मौके पे ज़मीन, जब ज़मीन सब सारे पक्ष ने क्रय विक्रय किया जिनकी ज़मीन थी उनसे, उसके बाद ज़मीन पे हम लोग पैमाइश कराएं, पैमाइश में ज़मीन हम लोग को कम मिली, 10 बिस्सा की जगह 7 बिस्सा ही ज़मीन मिली। और 7 बिस्सा ज़मीन में 1 बिस्सा रास्ते में निकल गया, मौके पे 6 बिस्सा ज़मीन मिली। 6 बिस्से में चूँकि मैं 5 बिस्सा ज़मीन रजिस्ट्री कराया था, तो मुझे 5 बिस्सा मिलनी चाहिए थी, मुझे 3 बिस्सा मिली। अरुण जी लगभग 32 कड़ी कराए थे, उनको 22 कड़ी मिली। तो हम लोग में लिखित समझौता हो गया, और लिखित समझौता के बाद हो गया कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे स्थापित हो जाएंगे समझौता के अनुसार। समझौता बन गया, और समझौता बनाने में चूँकि अरुण सिंह जी की नीयत पहले से ख़राब थी, उन्होंने 22 कड़ी ज़मीन उनको समझौते मिली, उन्होंने 4 बिस्से में पिलर अपना खोद लिया, पिलर खोद के निर्माण करना शुरू कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने ऐतराज़ किया, ऐतराज़ करने के बाद सिधारी पे अजय जी हैं BJP के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष जी हैं, उनसे हम लोगों ने गुहार लगाई कि देखिए हम लोग ब्राह्मण हैं, मुस्लिम हैं, तो हम लोग के साथ जाति हो रही है, तो कम से कम आप तो सिधारी के हम लोग का और सही बात के पक्षधर बनिए, और सिधारी से आप चुनाव भी लड़े हैं, हम लोग वोट भी करते हैं। उसके बाद इन्होंने, इनके घर पर समझौता हुआ, उस समझौता के बाद अरुण सिंह जी साधु जी अपना घर बनाए, घर बनाए, और उनको 22 कड़ी ज़मीन थी, वो 52 कड़ी में अपना घर बना लिए, क्योंकि वो किसी और के साथ मिल के ज़मीन लिए थे उनसे समझौता करके। और उसके बाद चूँकि हम लोग के साथ अशरफ चाचा जी थे, अशरफ चाचा अपनी सुविधा अनुसार 4 फुट की बाउंड्री करा दिए, और उन साधु चाचा साधु जी ने अशरफ जी से ज़मीन भी ज़्यादा ले ली। उसके बाद मेरे पास आए, मुझसे रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए कि लालू बाबू आपके पास 3 बिस्सा ज़मीन मिली है, आप 7 कड़ी ज़मीन हमको दे दीजिए, हमारा मकान अच्छा बन जाएगा। उनके लड़के आए और समाज के बहुत लोग आए, चूँकि मैं सामाजिक हूँ, अजय भैया के पास भी वो लोग गए, ये भी कहे अगर 7 कड़ी देने से उनका घर बन जाता है तो दे दीजिए। मैंने वहाँ भी झुक के 7 कड़ी इनको ज़मीन दे दी, इनका घर बन गया। इनका घर बनने के बाद माननीय अशरफ चाचा अपनी बाउंड्री ऊंची करने गए, जो कि पहले से 4 फुट की बाउंड्री इनकी बनी हुई है समझौते के अनुसार। उसके बाद से उन्होंने इनके काम को रोक दिया, इनको भद्दी भद्दी गाली दी, इन्होंने हमको भी बुलाया, हम गए कि हम लोग के बीच में जब समझौता हुआ था तो अशरफ जी का भी बाउंड्री होने दीजिए। और
चूँकि वो बात सुने नहीं, उसके बाद हम लोग अजय जी से फिर गुहार लगाई, अजय जी भी फिर ज़मीन पे आए, इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गुंडई पे आमदा है, जान से मारने की नीयत से उन्होंने 25-50 लोग को बुलाया भी था, लगातार धमकी भी उनकी तरफ से आ रही है हम लोग के पास कि ज़मीन पे आओगे 3 बिस्सा लेने और फिर आओगे तो मारा जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। हम लोग आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी जान माल की सुरक्षा आपके माध्यम से की जाए।